अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? ठीक है, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, सुबह सुबह का टाइम है, नमाज पढ़ के हटी थी तो बैठ के इधर सोफे पे मोबाइल देख रही थी। मैंने कहा चले लोगों का स्टार यहाँ से ना शुरू कर देते हैं। सुबह सुबह एक प्यारी सी सुबह के साथ भी लोगों का आगाज स्टार्ट कर दिया है। तो सोई गया, अभी आया नहीं है, 6 बजे तक आएगा। तो फिर नाश्ता 7 बजे बनाऊंगी क्योंकि बच्चे सारे सो रहे हैं, कोई भी नहीं उठा हुआ। मैं ना उठ गई थी, मुझे जाग आ गई थी। मैंने कहा नमाज पढ़ूँ सबसे पहले, ये काम करूँ। तो फिर मैं इधर बैठ के मोबाइल देख रही थी, बच्चे अभी सारे ही सो रहे हैं और बाहर धुंध पड़ी हुई है। बाहर चल के देखती हूँ कि मौसम जो है ना कैसा है। बाहर गई नहीं हूँ, वजू भी अंदर से ही कर लिया था। तो यहाँ का दरवाज़ा खोल के देखते हैं जी, बाहर के हालात क्या है। कल तो सारा दिन ही ना धुंध पड़ी रही थी, आज देखती हूँ उसे कुंडी को लगा लो। ये देखिए, ये है जी बाहर का व्यू, और मस्जिद में कोई जनाजे का ऐलान हो रहा है, नहीं नमाज का ही ऐलान हो रहा है। बता रहे कि कितने टाइम तक नमाज का टाइम, और लाइट ऑफ हो गई है। बाहर का दरवाजा ताले लगे हुए हैं। ये देख, ये ना हमारे मस्जिद में ऐलान होता है बच्चों का जो पढ़ते हैं ना सपारा, के जो बच्चे मस्जिद में सपारा पढ़ते हैं उनके माँ बाप से गुजारिश है कि वो जल्दी जल्दी बच्चों को उठा के भेज दें। तो ये ऐलान मुझे जुबानी याद हो गया है। और तो लाइट ऑफ करते हैं इधर की, यहाँ पर ही नाश्ता मैंने बना लिया। तो ये ऑमलेट मैं अपने लिए बना रही हूँ, बाकी सब ने पराठा चाय खाया। और ये 2 अंडों का मैंने बनाया है। मैंने कहा चलो जिसने लेना वो ले लेगा। ये प्याज टमाटर सब लेते हैं, धनिया डाल के, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बनाती भी हूँ अपने लिए, तो आज वही बनाया। मैंने कहा चलो मौसम भी अच्छा तो हमने अपने लोगों में बनाती हूँ। ये हैवी नाश्ता करके जाऊँगी तो भूख नहीं लगेगी 12-1 बजे तक। पराठा मैंने पलट लिया, इसमें अच्छी तरह से पका लेंगे। ये टमाटरों की वजह से फूट जाता है, ऐसे आप ये मिक्स कर करके बनाओगे तो बहुत ही मजे का बनेगा। और पराठा मेरा जो है ना वो जल चुका है। यहाँ पे देखे मैं बाहर गई थी मोबाइल लेने, तो आते आते काम होगा। अभी एकदम चाय पड़ी हुई है। जल्दी जल्दी बना लूंगी, चाय डालू। देखिए कलर इसका देखो कितना जबरदस्त है, देखिए कलर भी जबरदस्त ही बनता है। खाने में ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, सूखी रोटी के साथ भी, और पराठे के साथ तो क्या ही बात है। इसमें शक्ल मिर्चे मैंने 2 बड़ी वाली डाली है, मीठ लगी पूरी सारी डाल दी, थोड़ी भी रखी। अब ये मैं प्लेट में डाल दिया, हो गया ये तैयार। ये 5 मिनट में तैयार होने वाला है, जल्दी जल्दी आप इसे बना सकते हैं। ये प्लेट है हमारी, जिसमें इसमें इसे मैं निकालूंगी मैं इसे। ये देखिए ऐसे ऐसे ही आ गया सारा। ये नहीं, रख के आती हूँ उधर दोनों। नाश्ता हमारा चाय रहेगी वो डालती हूँ। हाँ जी जी, थोड़ा सा काम था डिस्पेंसरी का, वो करने जा रही हूँ। तो रास्ते में ये पिछली गली में से गुजरी थी, मैंने कहा चले स्टार्टिंग ले लेते हैं, बता देते हैं कि हम लोग आज डिस्पेंसरी जा रहे हैं। डिस्पेंसरी बुलाया हुआ है थोड़ी देर के लिए। तो मैं घर से निकली हूँ तो यहाँ पे धुंध काफ़ी आगे कहीं है कहीं नहीं है, लेकिन मौसम जो है ना कल से बेहतर है। तो बेटा आगे आगे जा रहा है और मैं पीछे पीछे मैं देख रही हूँ इसको भी भाग रहा है आगे आगे कि मैं ना वीडियो में आ जाऊँ। मैंने कई दफ़ा बोला कि आ जाओ कोई बात नहीं, कहता नहीं अभी नहीं आना। तो फिर मैं जिद नहीं करती, मैंने कहा चलो ठीक है आपकी मर्जी। ये देखिए पीछे वाली गली जो है, ये पोलियो टीम मेरी इधर भी काम करती है, जो गेट लगा हुआ ना मैं इधर भी आती हूँ प्लास्टर लेने, इस गली में मेरी टीम। ये देखें जी हमारे घर के पास ही है पार्क, वो सामने जो है ना सफाई वाले वो बैठे देख रहे हैं कि बाजी कर क्या रही है।
तो ये है हमारे पीछे वाले हिस्से में पार्क, जहाँ पे मैं कभी कभी बच्चों को लेके आती थी, वो खेलते ही नहीं थे। तो अब तो माशाल्लाह काफ़ी प्यारा हो गया। तो जब बच्चे अकेडमी जाते रहे तो मैं यहाँ से गुजरती हूँ उनको लेने के लिए, और अपना वापसी भी इधर से मैं गुजर जाती हूँ। मैं कहती हूँ शॉर्टकट है, बच्चे कहते मम्मा नहीं सीधे सीधे सड़क से, मैं कहती हूँ नहीं इधर से इधर से। तो मैं यहाँ से बच्चों को लेके आती हूँ, उम्र आगे आगे भाग रहा है, तो चले मैं भी उसके साथ जाके ना मिल जाऊँ, भाग भाग के उसके साथ जाके रल जाऊँ जिसे कहते हैं। वो आगे भाग गया। ये देखिए यहाँ पे अमरूद का दरख्त है, कितना प्यारा है ये। इधर वो भी लगा हुआ है, ये टावर कोई, ये सामने यहाँ पे जी डिस्पेंसरी का हो गया था काम। तो ये मैं जा रही हूँ इधर एटीएम पे, साथ ही है डिस्पेंसरी के ना एटीएम मशीन। तो मैंने कहा दूध वाले के पैसे देने निकलवा लेते हैं, दूध वाले के मैंने निकलवाई थी, मैंने कहा था मेरे से ना ख़त्म हो जाने हैं, तो आज ना देने हैं पैसे। तो मैंने कहा निकलवा कर लेके जाती हूँ, बाकी के सारी कपेटियाँ वगैरह दुकान हर चीज़ के जो भी मैंने सौदे वगैरह लाने थे वो ले आई थी मैं 2 तारीख को। तो ये आइडियल बेकरी है, ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है उसकी बैक साइड है। तो बेटी कह रही थी इधर जाना है तो मेरे लिए ये लेकर आना, मैंने कहा मैं बेटा उधर जाना ही नहीं है, तो जो मर्ज़ी करिए। तो यहाँ पे साथ ही एटीएम है, तो निकलवाते हैं पैसे, तो फिर वापसी घर की तरफ करवाना। पर जी मैंने चूल्हे चला लिए हैं, तो मैंने आलू मटर और मूंगरे का सालन बनाना, मूंगरे में बॉईल कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बना लगी हूँ गजरेला, ये 2 किलो दूध पड़ा हुआ था, मैंने कहा चले इसका बना लेते हैं, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। ये बादाम देख के आई हूँ, ये इतने से बादाम भी गिरियाँ, और ये मेवा और ये इलायची, वो नहीं लेके गिरी, वो बच्चे खाते ही नहीं हैं। तो अब इसको मैं डालती हूँ इधर, इस बार देखती हूँ मैं दूध को ठंडा करके, थोड़ा सा चाय के लिए रखूँगी क्योंकि फिर दुकान पे नहीं जा सकती, इतना सा चाय के लिए रख लिया। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करती हूँ, और इसको ना भूखती हूँ पकने के लिए दूध को। और अभी गाजरें फ्रेश हो रही हैं, और साथ जो है ना चावल जो है ना वो छिल के तो डाल के इसमें, देखिए आहिस्ता रख दिया आग पे इधर, और चावल जो है ना वो चुन लो चौपर में पड़े हुए हैं, इसको डालती हूँ रात में और चुन के, तो फिर वो साथ ही डाल देती। यहाँ पर दूध जो है ना बॉयल होने वाला, तो ये मैंने गाजरें जो की है ना कद्दू का ये डालती हूँ इसमें, सारी डाल देती हूँ। गाजरें तो वैसे जो है ना बहुत ही अच्छी होती है, खानी चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना आलू मटर गाजरें जो जब मैं बनाऊँ तो नहीं खाती हूँ, मैंने कहा चले इस तरह देती हूँ कोई अच्छी खा जाएंगे। वो आलू मटर गाजरें जो बनानी है वो मैं नहीं खानी है, और ये चावल जो है ना मैंने पहले भी जोड़ ली थी ये भी डाल देती हूँ। आज बना रही हूँ गजरेला, चलिए ये चावल भी डाल दिए, अभी आहिस्ता आहिस्ता आग पे पकता रहे, और साथ साथ में अपनी हांडी बनाती हूँ। इधर ये लुक इसकी चेक करें कितनी प्यारी है, आ रही हूँ कितनी बार पानी लेके आ रही हूँ, आ रही हूँ आ रही हूँ। हाँ पर जी खीर पकना स्टार्ट हो गई है, मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता आग पे ना पकती रहे, और मैं इसमें चम्मच हिलाती रहूँगी। इलायची भी मैंने डाल दी, चावल और गाजरें भी डाल दी, अभी आहिस्ता आहिस्ता आग पे होती रहेगी। इसको ऐसे रख के ना ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ, ये वाला जो है इसका देख चेक ये हो गया, ये पकती रहेगी अब। और यहाँ पे मैंने मसाला सारा डाल दिया, अदरक लहसुन प्याज टमाटर सब्ज मिर्चें, तो मैंने जो बनाने ना आलू मटर मूंगरे ये इसका मसाला तैयार करने लगी। दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो रही हैं, यहाँ पे खीर हो रही है, इधर पक रही है, हम लोग बॉयल खा रहे हैं, ये वेट ही हुआ है जल्दी जल्दी से। और यहाँ पे मैंने आलू मटर और ये मूंगे मैंने इनको फूल लेकर बॉयल किया था, ये तैयार है। और यहाँ पे मैंने तलवा भी कट करके रख दिया, मैंने कहा ऊपर डालेंगे तो मज़ेदार बनेगा सालन, ये देखो। यहाँ पर भी खीर हमारी पक रही है, आधी पक गई है, तो ये एक मग्गा जो है ना चीनी का डालने लगी इसमें, ये डाल दिया चीनी का मग्गा, और ये बादाम जो है ना ये भी डाल दो, बच्चे खाई जा रहे हैं, तो मैंने कहा आप इनका हल ये एक नंबर डाल दें, तो ये पकती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता, पकी ले लिया मैंने डाल दी, मेवा रह गया वो घंटे पर डालेंगे, क्योंकि मेवा जो है ना फिर मिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा मसाला हो गया तैयार, इसमें मैं अब डाल दी मूंगरे, मैंने जो है ना वो धो लिए, वो सुन लिए पानी जो बॉयल किया हुआ था, ये देखें ये है मूंगरे,
ये हो गए हैं और साथ ही में डाल देती हूँ आलू मटर, तो अच्छी तरह से इनको भून लेती हूँ। आज तो है ना सब्जियों की जो सुगात है, आलू मटर मूंग दे ये पक रहे हैं हमारे, इनको अच्छी तरह से भून लूँ। यहाँ पर जी सालन हमारा भून भून रहा है साथ साथ, और मैं इसको भी भून लूँगी, थोड़ा सा पानी शामिल करके 2 मिनट का वेट लगाऊंगी। और यहाँ पे हमारी जो खीर है वो भी पक रही है, ये देखें मैंने हर चीज इसमें डाल दी है। फातिमा आती थी आके हर चीज उठा के ले जाती, मैं तो बेटा मैं तेरा हल सोच दिया, मैंने मेवा बादाम इलायची हर चीज मिक्स कर दी चीनी, मैंने कहा पकती रहे पकती रहे। तो बादामों के ना मैंने वो छिलके नहीं उतारे, वैसे ही कट करके डाल दिए। तो ये यमी सी होगी हमारा गुजरेला, यमी सा होगा तैयार। यहाँ पे हमारा यमी यमी सा सालन जो है ना वो देखे तैयार हो रहा है, इतना प्यारा इसका कलर है। तो हो गया बना लिया, धनिया दम लगा भी लिया मैंने आटा, सुबह ही गूंद लिया था नाश्ते के बाद, फिर मैं गई थी जॉब के ऊपर। और बर्तन हमारे साथ साथ वाश हो रहे हैं, बर्तन वाश करने वाली मशीन बनी हुई है। आज मैंने आगे अपना जूता भी नहीं उतारा, वैसे ही काम स्टार्ट कर दिया, मतलब मैं चप्पल पहन के करती हूँ। तो आज मैंने ना जूता उतारने का टाइम नहीं था, मैंने कहा पहले मैं खाली काम करना फिर उतारूंगी। मौसम तो अभी तक ठीक नहीं हुआ, मैंने ना मशीन लगानी, तो सोच रही हूँ बच्चे जब एकेडमी जाएंगे ना तो लगा ही लूँ मशीन। तो ये देखे मौसम तो अभी भी खराब ही है, लेकिन कपड़े तो धोने हैं, ये आज फिर ऊपर फेंक दिए कपड़े मशीन के ऊपर, तो मशीन भी लगानी है और खाना तो बन जाना है। अब देख रही हूँ लगाऊँ के ना लगाऊँ, वैसे दिल कर रहा है कि शाम में लगा ही लूँ, 2-3 पूरे होने हैं मेरे तो धुल जाने हैं कपड़े, आज लगा लूंगी ना तो कल 2 दिन में सूख जाएंगे। तो ये चार पाई जो है ना इसको भी छाती हूँ इधर, मशीन को भी इधर करती हूँ, पहले मैं खाने का काम जो है ना वो कर लूँ, बाद में ये चार पाई भी छा के मशीन निकाल लेती हूँ, क्योंकि रिश्ता आ जाना तो पहले मैं ये काम कर लूँ साथ साथ ही। हांडी और वो खीर जो है ना वो हमारी बनी है, मैंने बनानी रोटियाँ, रोटियों के बाद मैंने दोबारा से ना ये मशीन वाला काम स्टार्ट कर देना, वो नेक्स्ट वाला भी लोग बनाऊंगी। तो आज मुझे किसी ने कहा कि बाजी इन्हें गोडी भी दिया करो अपने पौधे नू, अब मैंने कहा वो कैसे देनी, कह रही हूँ छुरी या कोई चम्मच ले लें तो मट्टी को ऐसे ऐसे किया करे। अब मैं ना मट्टी और भी डालूंगी इसमें, तो इसको गोडी भी करूंगी शाम में। यहाँ पर जी मैंने कपड़े जो है ना मशीन से निकाल दिया, मैंने कहा ये ना खाना बना कर तो पहले ये काम कर दूँ, कपड़े धो लूँ, और मशीन वगैरह जो है ना मैंने खाली कर ली है, इसमें सर्फ और पानी डालना है। चारपाई भी मैंने इधर बिछा ली, मैंने कहा बाद में ना इधर बैठ जाऊंगी ना वीडियो एडिटिंग वगैरह करूंगी, साथ साथ कपड़े जो ना वो भी धुल जाएंगे। तो चले अंदर चल के देखते हैं वेट हिला के नहीं हिला, वैसे ना बच्चे कह रहे हैं अभी हिलने की आवाज़ नहीं आई, तो मैंने कहा तब तक पानी भर देती हूँ, लेकिन ये बाद में ही भरूंगी पानी, क्योंकि फिर ना अगर मैं कपड़ों की तरफ होगी तो मेरा खाना जो है ना वो रह जाना है। तो आज कपड़े धो लूँगी ना तो फिर ईजी हो जाएगा, क्योंकि संडे को मशीन ही नहीं लगाई, मैं उधर चले गई थी सैटरडे को अम्मी की तरफ, तो आके मैंने लगाई नहीं, बच्चे कह रहे हैं हमारे कपड़े नहीं हैं कपड़े नहीं हैं, मैंने कहा चलो आज लगा के ना हल्की हल्की सी धूप निकल रही है तो धो दूँ इनको, 2 दिन लग जाएंगे जब ना कपड़े थोड़े थोड़े सूख जाते मैं अंदर डाल देती हूँ सोफे के ऊपर, तो हो जाते हैं फिर ठीक। तो चले चल के अब खाना मुकम्मल कर लेना, फिर बाद में ये वाला काम करते हैं। ये मौसम बिल्कुल अब निखर आया, ये देखें धूप आपको नज़र आ रहा हो कि चानन चानन सा हमारे सेन में हो गया है। ये मेरे 2 या 3 पूरे होने हैं, कुछ हाथों वाले हैं, मिनटों में मैंने धो लेने, क्योंकि कपड़े धोने की भी मशीन हूँ और बर्तन धोने की भी मशीन हूँ, माहिर हूँ इन दोनों चीज़ों में, तो जल्दी जल्दी से कर लूँगी। और फातिमा ने यहाँ पे देखे कैसे गंद मचाया हुआ, अपनी बुक्स वगैरह कंप्यूटर सारे बिस्तरे इकट्ठे किए हुए, मैं वो ना खेस जाते हुए उठा गई थी, तो ये एक बेटी सो रही थी मेरी, उसने अपनी चादर ही नहीं उठाई अभी तक पड़ी, मैंने आवाज़ दी कि उठा लो सुबह, नहीं उसने उठाई नहीं। और ये देखे ये मेरा गौन और मेरा बैग पड़ा हुआ, ये मेरे कपड़े जो है ना मैंने दिए हुए थे किसी को सिलाई करने के लिए, ये शाल दिया था गोल तकी का, उसने सिया ही नहीं पूरा साल रख के उसने आज मुझे वापस कर दिया, और ये कपड़ा था जिसके मैंने सिलाई करवाने थे, और ये मेरी शर्ट है इसका बाजू पे इस्त्री लगी थी, मैंने कहा चले मैं सही करवा लेती हूँ, तो अब तो गर्मी जा रही है ना, तो उसने किया ही नहीं ठीक बाजू पे, यहाँ पे बेटी ने इस्त्री लगा दी थी, ये थोड़ा सा है ये वाला हिस्सा, इस पर मैंने कहा चले लैस लगवा लूँगी कुछ चौड़ी, ये बड़ा ही प्यारा सूट है, मुझे मेरी भाभी ने गिफ्ट दिया था, तो ये बेटी ने ना एक दिन इस्त्री लगाई तो उसने इसके ऊपर लगा दी बाजू के ऊपर,
तो अब ना मैंने कहा इसको ना लैस लगा के ना यहाँ से फिलिंग कर लेंगे, दोनों बाजुओं पे लगेगी लैस। तो ये तो मैंने डाला ही नहीं, फिर सूट पूरे 2 महीने बाद शर्ट लेके आई हूँ आज गुस्से से उठा के। ये इतना प्यारा सिला हुआ था, जिस बाजी ने सिलाई किया था उसकी डेथ हो गई है, तो जब मैं ये सूट पहनती हूँ मुझे उसकी बड़ी याद आती है। ये देखिए पूरा सालन जी हमारा प्यार हो गया। देखिए अब हल्की आपकी भी, मैंने कहा घी पूरा जो धनिया वगैरह मैंने डाल दिया ऊपर, तो ये हमारा सालन बिल्कुल प्यार हो। यहाँ पे हमारी खीर जो है ना वो भी प्यार होने वाली है। ये आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में दिखाऊंगी कि प्यार हो गया कि नहीं। अब मैंने इस व्लॉग का भी एंड कर देना है। तो चले जी यही थी आज की वीडियो, भी है कि आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अगला नेक्स्ट वाला ब्लॉग भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो चीज़ें आपको दिखाएंगे फाइनल। अल्लाह हाफिज़। और बना ले हम यहाँ पे रोटी।